कोरोना काल के गाल में पूरी दुनिया समाती जा रही है, जिसमें ढाल बनकर खड़े हैं विश्व के डॉक्टर और पुलिसकर्मी। खाकी का भी एक अपना अलग ही रोल है। डॉक्टर जहां इंसानी शक्ल में भगवान का रूप कहा जाता है, तो पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बावजूद उसके काफ़ी जगह इस तरह की देखा गया है कि PPE है ही नहीं उनके पास। कई जगह ऐसा भी है कि मास्क की प्रॉब्लम है, कई जगह ऐसा है कि ग्लव्स ही नहीं है। इस टाइम में मुरादाबाद के एस कुमार चौराहे पर हूँ। आवागमन निषेध, कोरोना संभावित क्षेत्र है और यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो रात दिन अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लोगों से ये कह रहे हैं कि घर से मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। खुद अपने घर से निकल पड़े हैं आपकी सुरक्षा के लिए। अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने भाई बहन माता पिता और बच्चों को छोड़ दिया, इसलिए कि आप अपने परिवार भाई बहन माता और बच्चों के साथ रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ बात करने के लिए एक पुलिसकर्मी है, आइए बात करते हैं। सर, पुलिस अधिकारी हैं। सर, एक बात पूछना चाहूँगा, किस तरह से कोरोना का बचाव कर सकते हैं हम? समाज में कोरोना से बचाव करने के लिए सबसे पहले है कि मास्क लगाएं और जो लॉकडाउन का है इसका नियमों का पालन करें और बिना आवश्यक के घर से बाहर ना निकलें और जो सरकार के नियमों को पालन करें। कोरोना से बचाव के ये मुख्य कारण है, बार बार हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें। और आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई दिन से आप लगातार ड्यूटी। जनता के व्यक्तियों को मैं बार बार यही सलाह देता हूँ, हिदायत भी करता हूँ मैं, कि ऐसा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें और बार बार ऐसा है कि मास्क लगा करके बाहर निकलें और बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें। WHO की गाइडलाइन है, विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, हाथों को बार बार धोएं। आप यहाँ, मैं देख रहा हूँ कि सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। ज़्यादातर नहीं है, अपनी खुद की व्यवस्था है जी। अपनी खुद की व्यवस्था कर रहा हूँ मैं और बार बार हाथ धो रहा हूँ सैनिटाइज। बार बार हाथ धो रहे हैं, हाथ धोने के लिए साबुन वाबुन दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए एक बड़ी समस्या है। यूँ कि सैनिटाइज करने से पूरी तरह से 100% हाथ साफ नहीं हो सकते हैं। आप अपना साबुन भी रखता हूँ मैंने जी, हाथ धोने के लिए बार बार हाथ भी धो रहा हूँ। अपना भी बचाव रखना हूँ मैं और जनता का भी बचाव कर रहा हूँ मैं। ये कोरोना संभावित क्षेत्र है, ये हॉटस्पॉट एरिया है। हॉटस्पॉट एरिया में ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। यहाँ महिला पुलिसकर्मी भी हैं, महिला ऑफिसर भी हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं। मैम, कब से आपकी ड्यूटी लगी? सर, मुझे यहाँ पे 1.5 हफ्ता होने जा रहा है ड्यूटी का। जी, वैसे कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? मैं एंटी रोमियो स्क्वाड जनपद मुरादाबाद में पोस्टेड हूँ। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? ऐसा लग रहा है अभी शादी। सर, मेरी शादी को भी 1 साल हुआ है। जी, परिवार से दूर हैं, ड्यूटी को अपनी अंजाम दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए एक मौका मिल रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत। घर परिवार में लोग याद, बच्चे याद करते होंगे या? सभी लोग बहुत याद करते हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, यहाँ पे भी सभी लोग बहुत मिस करते हैं, पर फिलहाल अभी ड्यूटी ज़रूरी है। याद आती है घर की? बहुत याद आती है। कैसा लगता है जब याद आती है? सर, बस यहाँ का ये सब देख के बस वो सब पीछे रखना पड़ता है, लगता है ये बहुत ज़रूरी है इस समय। मन भावुक होता है? जी, बिल्कुल होता है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहने हैं, सभी लोग हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के पुलिसकर्मी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। बावजूद इसके पुलिस के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, मास्क की शॉर्टेज है, ग्लव्स की शॉर्टेज है। हम अमृत विचार के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, मुरादाबाद के प्रशासन को भी ये बताना चाहते हैं कि कम से कम जो पुलिसकर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर हॉटस्पॉट एरिया में अपनी ड्यूटी को रात दिन अंजाम दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कम से कम उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो। क्योंकि अभी नागफनी क्षेत्र में
जो कोरोना से बवालिए थे, पथराव के बवालिए थे, उन्हें पुलिस पकड़ने गई थी। उसके बाद उसी में से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है, जिसके बाद पूरे थाने को क्वारंटीन करना पड़ता है और जिसमें से एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव भी निकलता है। तो कुल मिलाकर मुरादाबाद के प्रशासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, यह गंभीर विषय है, इस पर खास तौर से ध्यान देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन पीयूष शर्मा के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।